श्री श्याम दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी गणेश जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम अभी यहाँ गिल्लों की ढाणी आए हुए हैं। ये कौन सी स्कूल है? ढाणी कूड़ियान के यहाँ क्या नाम भाई है? सरवण जी खेदावल की ढाणी में है। और इनका कहना यहाँ है कि एक बहुत ही खतरनाक सांप है और हम बहुत ही ज्यादा परेशान है। हमारा ये मेन रास्ता है, ताकि 5-7 दिन से हम लोग ज्यादा ही दिक्कत कर रहा है। तो आप आके इसको अपने हिसाब से एक स्थान से दूसरा स्थान छोड़े, ताकि ये भी अपनी जगह पे सुरक्षित रहे और हम लोग भी अपनी जगह पे सुरक्षित रहे। तो हम मौके पर आ चुके हैं और यहाँ पे बताया गया है, अब देखते हैं कौन सा सांप है। ये श्री श्याम और ये ब्लैक कोबरा है, थोड़ा नजदीक से बताओ, फिर घबराओ मत यार, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, राधे राधे। भाई साहब फुकार जी है, आप ही थाने प्रक्रिया समझा क्या टेंशन करो। ये दिक्कत ही करा थे तो थारा जट्ठे बटे खिड़िया रहो, कोई तरह की दिक्कत को नहीं। और इन्हें आपा एक तरह ब्लैक कोबरा के वहां जो को आपा वाली सीधी भाषा में आपा कालदार सांप के वहां और जय श्री श्याम। दोस्तों हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे जीवों को जो बचाने हमें जो कार्य स्टार्ट किया हुआ है और घर परिवार वालों की जैसे रक्षा करते हैं, वैसा ही हमारा कार्य सफल रहे। और ये जो अभी इन भाई साहब ने पूछा है कि ये फुंकार का क्या है, हमें फुंकार से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। तो हमारा कहना यही है, ये जो फुंकार करता है वो अपने बचाव के लिए करता है। और इनका ये बचाव का मतलब ये है कि भाई आप हमसे दूर हो जाओ, ताकि हम अपने रास्ते जाए और आप अपनी जगह पर खुश रहे। बस यही है। अगर भाई साहब इस फुंकार के अंदर में अगर जहर होता तो सबसे ज्यादा पहले मेरे को लगता। तो हमारा इस कहना यही है कि ये जो फुंकार है कोई तरह की दिक्कत नहीं है, ये अपने एक बचाव के लिए करता है। हर कोई बचाव के लिए कोई न कोई अपना प्रक्रिया या साधन अपने जरूर इस्तेमाल करता है। तो इसका साधन तो यही है, ये सांस भरता है और छोड़ता है, क्योंकि ये एक डर की वजह से करता है और डर सबको लगता है। जय श्री श्याम, राधे राधे। देखो अपने साथ में भगवान रहते हैं तो सब कुछ रहता है। क्यों कि अगर एक हादसा होने से अपने पहले से ही अपने को एक दृष्टांत दे देता है कि यहाँ आप एक अपने हिसाब से थोड़ा सुरक्षित रहो, ताकि यहाँ पे अब एक ऐसा जीव है तो ये भी अपने जगह पे सुरक्षित हो जाता है और अपने भी एक जगह सुरक्षित हो जाता है। ये डर के मारे यहाँ छुप जाता है और अपने डर के मारे घबराए हुए रहते हैं कि अब क्या करें। तो बहुत सारे ज्यादा आदमी है, समझ लो कि ये अपना ना जब से नाम सुना है तब अपने ये सब जीवों को मारने के लिए कम कर दिए। तो हम तो यही चाहते हैं, ये भी अपना एक पर्यावरण का मित्र है और इससे बहुत सारे अपने खेतों में फसलों में फायदा होता है, ताकि ये चूहे कीटों वगैरह का ये अपना भोजन बना के अपना ये पेट पालने के लिए तो कहीं से कहीं दुनिया प्रयास करती रहती है। अब ये कहीं नहीं जाएगा, क्या हुआ, हम बैठे ना पास में, कहीं नहीं जाएगा ये। जय श्री श्याम, राधे राधे। इसीलिए तो आप हमें याद करते हो, नहीं तो हमें कौन याद करेगा। बस अभी जो आपने ये बताया है कि ये काटता है, तो बाई चांस अगर मतलब ये दबता है तभी काटता है, अपने इसके साथ में छेड़खानी करते हैं तभी ये काटता है। तो अपने सीधा डायरेक्ट सबसे ज्यादा जल्दी से जल्दी नजदीकी हॉस्पिटल पे ही सारा लेना चाहिए, ताकि अपने झाड़ फूंक के चक्कर में समय गंवाते हैं, वो कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जय श्री श्याम दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेजुबान जानवर की जान बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। अब इसको अपने डब्बे में भर के प्रवेश करते हैं। डब्बो डब्बो भाई।
घबराओ मत, आप बेफिक्र रहो, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं देख क्या देखो, तो पहला भाई माँ की भी तो जान है यार, मैं भी तो था ना एक मनुष्य को नहीं है वो, ये जान आदमी को नहीं भाई, मैं भी तो कोई ना मतलब बाल बच्चा है, तो था पहला तो वो माकन है। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।